बढ़ते आगे और बात करेंगे अगली खबर की। मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कृष्ण जन्मोत्सव पर ऐसी बधाई दी है जो चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने भगवद गीता का उल्लेख कर यादव समाज से अनूठी अपील कर डाली है। पिता को छल बल से अपमानित कर पद से हटाने वाले कंस का जिक्र करते हुए शिवपाल ने जो अपील की है उससे तो ऐसा लग रहा है कि वो अखिलेश से महाभारत के मूड में आ गए हैं। सियासत में संदेश देने के कई तरीके होते हैं। त्योहारों और धार्मिक प्रतीकों के बहाने भी सियासी संदेश देने का चलन आम है और जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसा ही किया है वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव ने जन्माष्टमी के अवसर पर एक चिट्ठी जारी की। इस चिट्ठी में उन्होंने यदुवंशियों को संबोधित करते हुए जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देने के साथ ही एक सियासी संदेश देने की भी कोशिश की। शिवपाल यादव ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि समाज में जब भी कोई कंस अपने पिता को छल बल से अपमानित कर पद से हटाकर अनाधिकृत आधिपत्य स्थापित करता है तो धर्म की रक्षा के लिए मां यशोदा के लाल, ग्वालों के सखा, योगेश्वर श्री कृष्ण अवश्य अवतार लेते हैं और अपने योग माया से अत्याचारियों को दंड देकर धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान राम का जवाब कृष्ण से देने वाले अखिलेश यादव के ऊपर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चाचा शिवपाल ने सुदर्शन चक्र चला दिया है। कंस से संज्ञा करते हुए तमाम सारी बातें ऐसी लिखी हैं जैसे पिता का अपमान करने वाले अखिलेश यादव को अब बख्शने के मूड में शिवपाल नहीं है। शिवपाल के इस लेटर में कंस और उसके पिता का पद छीनने के जिक्र को समाजवादी पार्टियों में हुए बदलाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। शिवपाल ने जिस तरह कंस का जिक्र किया है वैसी ही घटना सपा में हो चुकी है। साल 2016-17 में जब सपा के भीतर विवाद बढ़ा था तब अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे।